भाई लोग नमस्कार। नमस्कार भी ठीक से नहीं कर सकते, छाता पकड़े हुए हाथ में। और बारिश भाई 3 दिन से चल रही है हमारे यहाँ, आज तीसरा दिन है। अब देखिए हम लोग छाता वाता लेके निकले हैं थोड़ा सा। ये हमारे देखिए रामदयाल जी जो अपना कलाकार बंदे वाले वीडियो में आपको मिल जाएंगे, और शाहरुख राजा जी जो म्यूजिक डायरेक्टर जो, तो साथ में हम लोग निकले हैं घूमने के लिए थोड़ा। जब बारिश आ रहा है कहीं कुछ हो रहा नहीं है तो थोड़ा सा घूमा जाए। तो अब देखिए बारिश 3 दिन का रिजल्ट क्या है। ये देखिए ये धान पक गया है, ये धान देखिए पक गया। तो पानी दिखाई हो कितना पानी में लगल दिखाओ। अभी देखिए ये कटेगा कैसे, इसमें देखिए इसमें 6-7 इंच पानी, 2-4 दिन में इसको काटा जाएगा, उस लेवल का हो गया है। लेकिन अब लोगों को यही दिक्कत होनी है। बाकी गनीमत यह है कि सारे खेत नहीं अभी पके हैं। जैसे देखिए इधर हरियाली है अभी। अभी पीछे मैंने एक बाढ़ का बनाया था कि हमारे गांव में बाढ़ से कितना नुकसान हुआ है। तो उसमें क्या था, पानी लगभग इतना ही था, लेकिन इस बार जो बारिश हुई है अब देखा उसी यार मैं लौकवे नहीं करे हैं, पर वीडियो में जब सियार बेचारे चक्रोट के ऊपर चढ़ के ऊपर बैठे हुए हैं सब। तनी है में पानी दिखाई पाएगा। अब इधर देखिए इधर भी कितना पानी लग गया है। ये धान धान का खेत है इस समय का भी सिचुएशन। अब धान फूटने वाले हैं सारे। देखिए अब बताइए इतना पानी लगा हुआ है, कितनी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इतनी ही है, चलो गनीमत इतनी ही है कि ये धान जब निकल चुका था थोड़ा सा, उसके बाद से पानी बरसना चालू हुआ। तो कई दफा ऐसा होता है कि ये पूरा इलाका सफेद दिखता है बिल्कुल। 3-4 साल में कभी कभार ऐसा जरूर आता है कि ये पूरा पूरा ये धान चूंकि निकले हुए नहीं तो ये पूरा सफेद दिखता है। अब यहाँ पानी दिख रहा होगा, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। ये पिछली बार इसके ऊपर पानी नहीं था, पिछली वीडियो में भी इतना पानी नहीं था जितना इस बार पानी हो गया है। यानी कहें बाढ़ 2.0 स्टार्ट हो गया। ये देखिए ये रास्ता है, ये देखिए पूरा चक्रोट। अरे यार मछली भाई, हाई हाई देखा। अरे यार इस समय हमको बहुत दिन के बाद। अरे यार गरई। फोटो खिंचवा हो। ये हमारे ठेकेदार साहब हैं, बंबई से चल के आए हैं, देख लीजिए। चलिए। अरे वाह 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 वाह, पिछली बार नहीं लगा था लेकिन इस बार लगा। ये अतनी ऊपर हो गया, ये अब तिप्पर देखिए यार, इतना खतरनाक के बाय में अगर कहीं फिसलल पैर। ये मछली। अब ये रास्ता देख लीजिए, ये पिछली बार मैंने यहीं से वीडियो बनाया था और उसमें अभी कम ही पानी था, इस बार पानी ज्यादा हो गया है। और ये रास्ता भी पूरा फुल नहीं था, देखिए इस बार पूरा पानी पानी हो गया। और इधर भी पानी नहीं था बिल्कुल भी, इधर भी पूरा पानी हो गया, ज्यादा पानी हो गया यार। इतना बाढ़ के असली टाइम रहा तो उतना पानी नहीं रहा जितना पानी अब हो गया। करंटो लगल भाई यार, देखिए करंटे में नहीं मछली है भाड़ी। देखिए भाई बाबू लोग निकले हुए हैं घूमने के लिए, मछली के लगल बता कहीं ना ही यार, सांप तो ले रहा था ना कुल, सांप रहा ना कुल, तब पनियम का करे कुछ चढ़ जाना कुल है, पेड़े ओड़े पर कुल झुटुहा झुरमुट जो है कि चढ़ जाने सब अच्छा से देखो पेड़वन पर तक लौकी जाइए कुल। ए चलो यार इतना अरे इतना पिछली वीडियो में इस पर पानी नहीं था लेकिन इस बार इस पर भी पानी हो गया है। चलिए अपने खेत तक में लेके चल रहा हूँ भाई, खेतवन में कितना पानी लगल हुई हम के यार, कई कई महीना हो जाला इन्हें अल रोपनी भइल, ओकरे बाद से सब करा के चल गए नी के दुकानी पर पीतो ही चल गए ने ठीका दिया रोपा गए, ओकरे बाद हम अनी नगदे बोल गए धान तब।
का हो मसरी मिलता रे गुन आ अरे देखा खनता बाटे ये हमारा गन्ने का खेत है देख लीजिए पीछे भी दिखा देते हैं सूखा था यार ये तो पानिया से सूखा था तुरना हो यार ये खाए लगवा मुखिया की तुरत ने लो तुर तुर कहाँ लगा लो ना मुखिया तुर के बताओ न करीता चलो गनी मत लेकिन ये रास्ता है देख लीजिए रास्ते का क्या हाल हो गया है ना पानी है जैसे यार इतना पिता या के कुछ ना कुछ टेक लगावत रहना है लेकिन तब वो सलाह ये रास्ता काटी देलस। चलिए तो ये हाल है फिलहाल में वैसे देखें तो अभी कोई नुकसान नहीं दिख रहा है सारे धान की फसल जो थी सभी धान की फसल जो खड़ी थी वो खड़ी है अभी गनीमत ये है और ये मेरा गन्ने का खेत सूख रहा है यार ये सलाह बीमारी जब से चल गया सूखने वाला एक तो मोटा नहीं हो रहा है ये पतला पतला है और ये बीज मेरठ से आया था ये डोका लीजिए भाई देखिए डोका डोका घोंघा डोका बना खा एक महीना डोका के खैले से तो धान तो अच्छे हैं ये पूरा जहां तक नजर जाएगी धान सही है अपनी जगह पे लेकिन दिक्कत आगे होने वाली है दिक्कत होगा ये कहो कुछ होगा इनका तो दिक्कत ये होगा कि धान की फसल तैयार हो जाएगी ठीक है इसके बाद भी आदमी काट नहीं पाएगा ठीक से अब पानी लगा रहेगा तो एक तो कंबाइन चल नहीं पाएगा इसमें अरे मुनीप भाई नमस्कार नमस्कार और ठीक बा चलो घूम लो हूँ देख लो कल ही नहीं यार हेपर ऐसो पानी नहीं बह रहा ना है ये साल पानी नहीं चढ़ रहा है पर ये पूरा पानी पानी हो गया ये रास्ता है चले के तब का है ना चल जाए हाँ अच्छा लगते बाटे लेकिन नुकसानदायक बना अच्छा तो लगा था ये मेरी यार बहुत दिन के बाद आई अरे आवे के पहले कर ला पिछले साल ना उतना रहा लेकिन उसके पहले तो पिछले साल 2020 रहा है 2020 में नहीं रहा था 19 में हाँ तो वह तो कहता है 19 में आई चलो मछली गिरल बड़ी तू हल्का हल्का झीसा टाइप का आ रहा है खत्म कर जाओ वीडियो खत्म कर जाओ बाय बाय ये देख लीजिए मैंने जो पिछली वीडियो में दिखाया था कि मेरा पपीता सूख गया है पानी की वजह से तो देखिए सूख क्या अब ये गिर गया है सूख के और ये आधी का गिरा हुआ है सुबह का क्योंकि ये पूरा पानी लग गया है पहले वाली वीडियो में आपको पानी ऊपर नहीं दिखेगा ये देखिए ये अभी आपको ये पूरा ऊपर तक यानी ये बगल में तालाब है लेकिन तालाब से ओवर होकर के और ये काफ़ी ऊंचा भरा गया है लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर तक पानी चढ़ गया इसलिए ये सारे अब सूख रहे हैं जो कुछ भी है सब सूखेगा इस पर अब ये देखिए जलकुंभी कितना ऊंचाई तक हो गया है पानी बढ़ने की वजह से चलिए ओके बाय आप भी सेफ रहें आपकी सेहत कल्याण भी सेफ रहें।